प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 वर्ष के हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। वहीं बिहार में खास बात ये रही कि मोदी जी के 70वें जन्मदिन पर 70 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और पीएम के कार्यों की सराहना करते हुए उनके कार्यों का विवरण दिया गया। मौके पर भाजपा प्रवक्ता अशोक भट्ट ने कहा कि यह पहली बार ऐसा हुआ है बिहार में कि पीएम के 70वें जन्मदिन पर 70 जगहों पर एक साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर भी उन्होंने वार किया और कहा कि विपक्ष इस दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब उनकी सरकार थी तो वो कहाँ थे। आज मोदी जी के कार्यकाल में पूरा देश तरक्की कर रहा है और यही सच्चाई है। देखिए प्रधानमंत्री जी आज हमारे 70 साल के हो गए। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को लेकर हम पूरे देश में धूमधाम से जन्मदिन मना रहे हैं, गरीबों के बीच में मना रहे हैं, गरीबों के बीच में मदद करके उनके सहयोग को लेकर जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की मीडिया इकाई ने 70 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन उनके 70वें जन्मदिन के मौके पर हम लोगों ने किया है। पटना के अलावा 69 और सेंटर हैं जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे और प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए अनेक योजनाओं का हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। एक तरफ विपक्ष आज जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट डे मना रही है, उन विपक्ष से आप पूछें जो बेरोजगारी दिन मना रहे हैं कि जब वो सरकार में थे तो कितने रोजगार दिए थे। आज वो लेटेस्ट जो दुनिया की तकनीक है उसका वो विरोध करते हैं और खुद उस तकनीकी का यूज अब उपयोग करते हैं। आज फेसबुक और ट्विटर का विरोध करते हैं, खुद फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से अपने लोगों को बताने और जगाने का काम करते हैं। उनको चलने वाले नहीं है। बिहार हो या देश की जनता, अब नए भारत में प्रवेश कर चुका है। हर कोई डिजिटल इंडिया चाहता है, मेक इन इंडिया चाहता है, इसलिए अब जनता उनके साथ नहीं है, ना उनकी बातों पर विश्वास करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्म दिवस बिहार भाजपा बड़ी ही धूमधाम से मना रही है और आप जो तस्वीर देख रहे हैं, हमारे सहयोगी जो आपको तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, उस तस्वीर में सबसे पहले आपको गौर से देखिए, इस तस्वीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिट्टी चोखा खाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम तस्वीरों की बात करें, तमाम तस्वीरें जो है वो बिहार से संबंधित तस्वीरें हैं। एक दुकान के काउंटर पर वो जो खड़े हैं वहाँ बिहारी व्यंजन लिखा हुआ है, उसमें बिहार का जो फेमस भोजन होता है लिट्टी चोखा, गाजा हो या अनारसा हो, ये सब तस्वीरें दिखाई जा रही है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री की सारी तस्वीरें वो जो सबसे बार बिहार से रिलेटेड है, क्योंकि बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान बहुत जल्दी होने वाला है। इसको लेकर भाजपा ने संयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी आ गया इसी बीच में, और इसको लेकर भाजपा जो है पूरे बिहार में 70 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है, जो उन्होंने कार्य किया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि उन्होंने क्या काम किया है और क्या उनका योजना है जो धरातल पर लागू हो चुका है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, तमाम ऐसी योजनाओं से लोगों को बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल यानी 70 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके कार्यों को बताया जाएगा। और तस्वीरें जो है साफ देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं, चाहे वो बोध गया की तस्वीर हो, चाहे उस तस्वीर में रामविलास पासवान और सुशील मोदी हो, तमाम तस्वीरें वो बिहार से संबंधित तस्वीरें यहाँ लगाई गई है। और आज जो उनके जन्मदिन पर बिहार में कई इलाकों में ब्लड डोनेशन का भी कैंप किया जा रहा है, ब्लड डोनेट भी किया जा रहा है। और बिहार भाजपा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज अपने ही तरीके से मना रही है। चुनावी साल होने के साथ साथ इस जन्मदिन को चुनाव के रूप में भी देखा जा रहा है, जिस प्रकार तस्वीरें आप देख सकते हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन मदन के साथ दिवाकर तिवारी, सन्मार्ग लाइव, पटना।